के लिए दिक्कत हो रही है भाई। देखो यार एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग बचपन से नहीं बोले हैं हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक। तो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो भाई। तो कैसे हो आप सभी, ठीक है। तो एक चीज़ है ना भाई, आज थोड़ा बहुत एक काम करेंगे कि नहा धो के फिर भाई नोएडा जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले काका का क्या थोड़ा बहुत काम है, तो उसके ले जाएंगे, ठीक है। अभी कितने लोग बोलेंगे कि भाई भाई तू तो सिर्फ जंगल में और खेतों में ब्लॉग करता है ना, तू आके पब्लिक स्पॉट पर ब्लॉग कर। भाई कैसे करूँ यार, ठीक है। अगर जाता हूँ तो बहुत सारे लोग देख के मुझे भी नर्वस लगता है, और कुछ चीज़ें जो कि मुँह से निकल दीज नहीं है, तो कैसे करूँ यार वहाँ पर ब्लॉगिंग। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कभी कभार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो भी हमारा लोकल है ना, उसमें हिंदी लैंग्वेजेस नहीं बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मैं बचपन से हिंदी नहीं बोला हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब जाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए आया था, ठीक है। अब जाते हैं भाई। तो भाई यार एक चीज़ जो कि मैंने कल या परसों शूटिंग करा था, जो कि जंगल में जाके, ठीक है, तो आगे जाने के लिए, लेकिन इतना मतलब जंगल से आगे इतना मुझे बुखार हो गया कि मैं शूटिंग नहीं करा उस दिन का भाग, ठीक है। दो दिन तक मैंने शूटिंग नहीं करा। अभी ना मुझे सर्दी है, ठीक है, थोड़ा बहुत सर्दी है और जुकाम भी है, ठीक है। सर्दी मतलब वो होता है ना ठंड, और जुकाम मतलब वो ठंड के साथ साथ काशी होता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ हूँ, तो अब जाते हैं भाई हमारे गांव का जो मिलजुल के काम करते हैं उसको बेठी बोलते हैं शायद, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबके लिए, ठीक है। तो अब जाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, क्योंकि पिताजी मुझे बोल के गए थे भाई भाई नहीं यार बेटे तू जल्दी आ जाना, ठीक है, मैं जाऊँगा काम पर, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, बेठी के लिए जाते हैं, जो बेठी बोलते हैं उसको, ठीक है। हमारी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बेठी बोलते हैं, जो कि गांव का हर एक बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट सबके घर पे, घर से एक एक बंदा आएगा काम करने के लिए, उसको बेठी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत काम दिखाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करेंगे, उसके बाद वापस घर अगर होगा तो नुआगा जाएंगे, वरना नहीं यार, ठीक है। तो भाई यार अब ना मैं काम ख़त्म करके आ चुका हूँ घर पे, और अब मैं थोड़ा बहुत खा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि पखल हो गया, सर्दी बुखार है, जो भी हो भाई पखल इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए, ठीक है। और खाने में क्या बना है, थोड़ा बहुत पखल भात और साग था और कुरकुरे वगैरह, ठीक है, जो कि बैंगो टटे में, ठीक है। और एक चीज़ खाने के बाद नहाने के लिए जाएगा, ठीक है, बहुत ज़ोर से भूख लगा था इसलिए मैंने खा लिया, ठीक है। तो भाई अब ना दोपहर के 2 बज चुके हैं, और मैं यहाँ 2 नहीं यार 3 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत घूम रहा था भाई। कोई कोई कहता है कि भाई तुम्हारी जो भी हिंदी लैंग्वेजेस है ना वो अटक अटक जा रहे हैं बीच में, तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई देखो यार एक चीज़ है, जैसे कि हम लोग बचपन से नहीं बोले हैं हिंदी लैंग्वेजेस, ठीक है, और ऐसे बोलने में और थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली बोलते हैं तो जाके हिंदी क्लियर होता है, तो इसलिए भाई थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई बचपन से हम लोग बोलते हैं और उसी टाइम पर हिंदी हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और बाहर देखो यार कितना धूप है, ठीक है, बाहर देखो यार कितना धूप है, और ये इसको फ्लावर्स वगैरह, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं फूल वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छा दिखता है भाई, और ये और भी अच्छा दिखेगा जब इसमें पत्ते वत्ते आ जाएंगे, तब बहुत अच्छा दिखेगा। अब सिर्फ नहीं यार अब ना मैं खाना खाने के लिए किचन पे आया हूँ, और यहाँ पे मेरी माँ जो कि बैठी है खाना खाने के लिए, ठीक है। ठीक है सर यार, उल्टा बल्टा पकड़ लिया मैंने मोबाइल को, ठीक है, फ़ोन को। तो भाई एक चीज़ है, अब थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है, एंड तक रहो भाई जो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई यार ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे जोर से कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी अच्छी बताना, अगर कैसे वाला बताओ मैं वो बताना मेरे को, ठीक है, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।